नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारा थ्योरी का लगभग आखिरी चैप्टर होने वाला है अगर हम सही से पढ़े तो। यहाँ पर बेसिकली हम क्या जानेंगे, कुछ हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और उससे पहले मैं तीन से पाँच, लगभग चार से पाँच पाँच तो वीडियोज़ में लेकर आ ही चुका हूँ। तीन पहले लाया था, दो अभी आ चुकी हैं, इसके बाद एक आएगी। तो ये जितनी भी हैं ये बेसिकली हमारे नए नए वीडियोस आते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी पॉइंट्स हैं उनके रिगार्डिंग। तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है हमको। जो अगला वीडियो आने वाला है वो बेसिकली हमारा थ्योरी ख़त्म करके हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, चेंजेस क्या आते हैं इसमें, प्लैनेट क्या होता है, मून क्या होता है और सैटेलाइट क्या होता है। अब हमको एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़नी है, क्या एस्केप वेलोसिटी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि मुझको क्या करना है कि एक अपनी चीज़ हटानी है, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से हटानी है, उसे खाली करना है, या कुछ भी हो चुका है, मान लो वो ख़राब हो गई, ऊपर जाके कोई नीचे जाके तो उसे संवारेगा नहीं, नहीं तो उसे सुधारेगा। तो बेसिकली हम यहीं से अच्छा भेजते हैं, वहाँ से अगर ख़राब होती है तो हम उसे हटा ही देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इतनी हमारे पास अभी एडवांस इंजीनियरिंग नहीं है कि हम ऊपर जाके उसे सही कर सकें। थोड़ा बहुत होता है तो उसको हम सही कर देते हैं, लेकिन सैटेलाइट को हम सही नहीं कर सकते वैसे, आप ये समझ के चलिए। ISS को हम सही कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रुकने की जगह होती है, वहाँ पर हमारे सब करने की जगह होती है, आने जाने की होती है, वहाँ पर हम रुक सकते हैं दिन के दिन, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। और आपको पता है क्या कि अगर मैं एक दिन मैं ऊपर स्पेस में गुजारूँगा तो मेरे बोन की डेंसिटी मेरी वीक हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमको, ये सारी चीज़ों को हमें ओवरकम करना होता है। और मैं अपने सेटेलाइट को एक एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करवा देता हूँ, वो सीधे भाटी जाती है उस ऑर्बिट से, वहाँ पर एक नई सेटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है ये आती कहाँ से है, बेसिकली ये आई है इस फॉर्मूले से, अंडर रूट जी आर ई। अब याद रख सकते हैं, अंडर रूट जी आर ई अगर दे दूंगा मैं किसी को भी वेलोसिटी, अब निकाल भी सकते हैं आप। 6400 मैंने बताया था, 6400 का कितना हो जाएगा 80, और लगभग 2, और जी की वैल्यू अप्रोक्स कितनी हो जाती है 100। तो अगर मैं कितनी इसका रूट ले लूँ, अगर मैं इस इतनी वैल्यू प्रोवाइड करवा दूँ, इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दूँ जो कि किसकी इक्वल हो चुकी है अप्रोक्स, ये 3 के, ये 1 के, ये 1.5 के लगभग, तो 4.5, 3 के और 1 के, 3 और 1.5, 4.5, 4.5 इंटू 80 कितना हो गया हमारे पास, 8×32। ऐसे करके कुछ हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक बार ढंग से। तो जो भी हमारे पास निकल कर आएगी वो जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला, या मैंने उसको सैटेलाइट को मैंने एक ऐसी वेलोसिटी दे दी इतनी, तो मैं क्या करूँगा, उसे अपनी ऑर्बिट से खाली कर दूँगा। अगर मैं यहाँ अर्थ से ही भेजता हूँ तो भी मैं उसे बाहर भेज दूँगा उस चीज़ को। तो ये हमारे पास चीज़ें निकल कर आती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा किसके लिए, अर्थ इंजीनियरिंग के लिए या फिर सैटेलाइट इंजीनियरिंग के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी भी आगे चीज़ें निकल कर आती है कैपलर्स लॉ की। कैपलर्स लॉ के 3 लॉ हैं, काफ़ी ज़्यादा बेसिक लॉ हैं हमारे डेली जीवन में, आप उनको देखते होंगे, नोटिस करते होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और अगर आपको पता होगा कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम कैपलर लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या कहता है कैपलर का, कैपलर का पहला लॉ बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो कि हमारी अर्थ का शेप क्या होता है, हमारी अर्थ के अराउंड जो स्फेरिकल, जो उसको हम बोलते हैं कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो बेसिकली नहीं होता है। हमारा जो अर्थ होता है वो रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, रोटेट अपनी एक्सिस पे करता है, रिवॉल्व अपने उस पे करता है, रिवॉल्व अपनी एक्सिस पे करता है। रिवॉल्व मतलब घूमना गोल 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 गोल, और रोटेट मतलब घूमना गोल गोल ऐसे अपनी एक्सिस पर घूमना गोल। अगर आप बॉल जैसे आप वो लट्टू लेते हो, तो आप लट्टू लेंगे तो उसे आप जब घुमाएंगे बेबलेट टाइप का, तो बेसिकली पहले तो अपनी एक्सिस पर जो 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 घूमेंगे साथ में हल्का हल्का ऐसे ऐसे मूवमेंट देगा। तो अपनी जो गोल घूम रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्या, रोटेशन, रोटेट कर रहा है, हम जगह रोटेट कर रहा है। और यही अगर बाहर चीज़ करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्व कर रहा है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये चीज़ हमारी रिवॉल्यूशन निकल कर आती है। तो ऐसे इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर पहला लॉ ये कहता है कि बेसिकली प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल पाथ विद सन इन द फोकस। जो हमारी अर्थ होती है वो
रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इलेक्ट्रिकल पाथ में, और जहाँ हमारा जो सन होता है वो क्या होता है, फोकस होता है उस एलिप्स का, और एलिप्स का फोकस कैसे निकालते हैं, ऐसा कुछ होता है, ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और यहाँ पर इसका फोकस वगैरह ऐसे है, तो इसको ऐसे लेकर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। दूसरा हमारे पास निकल कर आता है रेडियस ऑफ द वेक्टर स्वीप, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मान लो एक घंटे में यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो दूसरे घंटे में यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसका एरिया बराबर होगा, और तीसरे घंटे में ऐसा हो रहा है तो इसका एरिया सबका बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग एरिया इक्वल निकल कर आते हैं, तो ये हमारी यहाँ से चीज़ निकल कर आती है। इसके बाद क्या है, टाइम का स्क्वायर सही मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है, यानी कि टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सही मेजर क्यूब। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सही मेजर मतलब जैसे कि एक हमारी यहाँ हो गई, एक हमारी यहाँ हो गई, तो सही मेजर एक्सिस हमारी ये वाली हो जाएगी, इसको हम ले लेंगे, तो इसका क्यूब हमारे टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हम लेकर चलते हैं इसको। तो यहाँ इसके ख़त्म हो गई, हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत कि यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बोल रहा है और बाकी चीज़ें क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी क्योंकि टॉपिक नहीं था। अब हम जिसके बारे में जानेंगे वो बेसिकली यही होगा कि आगे कि हम क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं हमारे पास। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर। थैंक यू।